Now, Chief Minister, sir, he's. Srijit Bhomekji. Namor. Taliyon ke gagrahat se sabha ka bhut na chahiye. Another dignitaries, and you have to give festival. Thank you. This program. And my director will receive our guests with a flower bouquet of traditional. To develop the rest. And Meghalaya, Nagaland, Tripura, and Sikkim se aaye hue hamare. My beloved, another dignitary, Srijit Bhomekji. Dono desh ka log ek dusre ke saath mil jata hai, ghul milta hai, pyar karta hai. Ye North East mein pehle nahi thi. Itna bhi hota tha, ek ek mukhyamantri ka chehra 5-5 saal mein bhi nahi dekha hoga, aisa hota tha. Raja hum log कम से कम वही के लिए दो चार मुख्यमंत्री से हम लोगों का ऐसे भी बात होता है. प्रोग्राम में वो देखने की इच्छा था, तो वो नेक्स्ट टाइम आएंगे अपनी. इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को अलग करके रखा गया था. अब नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट एक साथ हो गए, यही काम है. मैंने आज पहले बोला आपको तीन विषय बोलूंगा. एक विषय तो मैंने ड्रग्स के ऊपर बोला, इसमें आप लोगों का सबका संकल्पित मदद चाहिए. मदद नहीं, संकल्पित मदद चाहिए. तो तय करके रखना मेरे जीवन में ये नहीं होगा और मेरे आसपास भी मैं होने नहीं दूंगा. सेकंड, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन टाइम प्लास्टिक फ्री देश बनाने का संकल्प लिया है, उसको बैन भी कर दिया, हर राज्य में लागू किया है. किंतु बंद हो गया क्या? नहीं हुई. तो वन टाइम प्लास्टिक को वर्जन करना, उसके बिना हमारा जीवन चलती है. जैसे जो स्ट्रॉ होती है हमारे, या तो त्रिपुरा से छोटे बैंबू से भी होती है, जैसे स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना है, नारियल पानी पीना है, तो प्लास्टिक की होती थी. अब प्लास्टिक के बदले में कागज में भी बनता है, पेपर से भी हो सकता है. वो पेपर में बनाऊं मैं कैसे कर सकता हूं? इंसान कुछ करना चाहे, पर विशेष करके ये जो तीन काम मैंने बोला ये अच्छे काम है, कर सकता है. वो प्लास्टिक का पानी का बोतल हो, ये सब यूज ना करें. और अपने घर में, अपने इर्द गिर्द में इसको लागू करना है. इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, और दिन में कम से कम 45 मिनट्स माने पौने एक घंटा श्रमदान करना है. उसके बाद ये 5 दिन में आप लोगों का स्किल डेवलपमेंट, अलग अलग हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, उसके बाद बहुत सारे विषय के ऊपर आप लोगों को जानकारी दी जाएगी. जो जानकार है आप लोगों को शिक्षा दी जाएगी. और एनएसएस सभी समय सेवामूलक काम करते रहते हैं, ये तो उनका पटभूमि है. एनएसएस का ये जो 5 दिन का कार्यक्रम होगी यहां, इसमें मैंने देखा 6-7 बिंदु है, और दीपक जी ने इसको पहले ही विस्तारित रूप से आपके सामने रखा है. करने में पूरा मदद करेंगे. हमारे स्कूल, कॉलेज, शिक्षा प्रतिष्ठान, मेरे घर, मेरे जिला, सभी जगह में
इसके बारे में बातचीत करेंगे। जो लोग इस बिजनेस के साथ मिले हुए हैं, उनको सबके सामने लाके रख देना है, मीडिया को बताना है, पुलिस को बताना है, निर्वाचित प्रतिनिधि को बोलना है। एक को बोलने वाला नहीं होता, दूसरों को बोलना है और उसको पूरे नॉर्थ ईस्ट से मिटाना है। और यहां तैयारी नहीं होती, ये बारमासा आती है और विशेष करके मणिपुर बॉर्डर से सबसे ज्यादा आती है और इसका सबसे ज्यादा शिकार तो मणिपुर हुआ है। और हमारे जो क्वालिटी है मणिपुर स्पोर्ट्स में बहुत आगे है, मेरिकम वहां का ही है। ये सब तोड़ने का राजनीति है सब।